Excuse me, Mr. Lamar. Today we will go through the biodiversity and aims and principles of classification and taxonomic hierarchy and history of classification of the third chapter या from third chapter. अच्छा, biodiversity की अगर बात करें तो biodiversity हमारे पास bio और diversity से लिया गया है. Biodiversity the combination of two words. Biodiversity हमारे पास combination है दो words का. तो biodiversity हमारे पास दो वर्ड से लिया गया है. एक है बायो, बायो का मकसद होता है लाइफ, और दूसरा है हमारे पास डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मकसद होता है हमारे पास वेरिएशन. अच्छा, बायो मकसद लाइफ और डाइवर्सिटी का मकसद है वेरिएशन. तो बायोडाइवर्सिटी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज के बीच में जो हमारे पास वेरिएशंस होती हैं, जो मुख्तलिफात होती हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, या उसको पढ़ने को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. अगर हम पढ़ें कि भाई स्पीशीज के बीच में कौन कौन सी मुख्तलिफात हैं या कौन सी वेरिएशंस हैं, क्योंकि उनके वेरिएशंस के हिसाब से उनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. तो आई होप के बायोडाइवर्सिटी इज क्लियर. बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं कि डिग्री ऑफ वेरिएशन, डेफिनेशन अगर लिखें तो डिग्री ऑफ वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और अमंग स्पीशीज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. जो वेरिएशंस होती हैं हमारे पास लाइफ में स्पीशीज की, तो उसे हम पढ़ने को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो आई होप कि बायोडाइवर्सिटी तो क्लियर हो गया. लेकिन अगर हम कहें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो एक्चुअली था क्या कि हमारे पास मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज मौजूद थी. तो हमने उन स्पीशीज को आसानी से पढ़ने के लिए क्या कर दिया, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अच्छा, जब 1.5 मिलियन स्पीशीज थी तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व. तो ये बहुत ही मुश्किल था कि हम उनको ऑब्जर्व कर सकें या उनको पढ़ सकें. तो क्या हुआ कि उन्होंने, बायोलॉजिस्ट ने उनको आसानी से समझने के लिए या आसान ऑब्जर्वेशन को आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन स्पीशीज को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. अच्छा, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास आ जाता है के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर डेफिनेशन लिखे तो हमारे पास यह है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायो क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है कि टू स्टडी सच ए डाइवर्स स्पेक ऑफ स्पेशीज बायोलॉजिस्ट डिवाइडेड इट इंटू ग्रुप्स सब ग्रुप्स कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मकसद ये है कि टू स्टडी सच ए डाइवर्स स्पेक ऑफ स्पेशी, इसका मकसद ये है कि स्पेशीज को पढ़ने के लिए हमारे पास अराउंड 1.5 मिलियन स्पेशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और उनको साइंटिफिक नेम भी हमने दे दिया है, साइंटिफिक नेम भी उनको मिल गया है. ठीक है, तो अब उनकी स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आई होप बायोडाइवर्सिटी भी समझ में आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हमारे पास है कि इनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया या किस लिहाज से डिवाइड किया गया कि भाई ये जो है हमारे पास इस किंगडम में आएगा, ये हमारे पास इस किंगडम में आएगा. सो हाउ दे डिवाइडेड इनटू ग्रुप और हाउ दे डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, स्पेशीज को उन्होंने कैसे जो है वो डिवाइड किया, कैसे ग्रुप किया. तो उनके भी कुछ जो है वो की पॉइंट्स है जिसे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने स्पेशीज को डिवाइड करना शुरू कर दिया. मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर,
अच्छा मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल फॉर्म्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मकसद ये है कि एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं, आई है, ईयर है, नोज है, हैंड्स हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, तो उसे हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको आप जो है वो देख सकते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बुनियाद पर जो है वो उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में स्पेशीज को डिवाइड कर दिया। अच्छा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास आती हैं दो चीजें, एक होता है होमोलोगस और दूसरा होता है हमारे पास एनालोगस। होमोलोगस का मकसद क्या है, एनालोगस का मकसद क्या है? होमोलोगस का मकसद यह है कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, बट डिफरेंट इन फंक्शन। और हमारे पास एनालोगस का मकसद क्या होता है कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई होमोलोगस और एनालोगस की। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है, होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस में क्या करते हैं कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। इसका मकसद ये है कि स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन उसका काम जो है वो डिफरेंट हो। एग्जाम्पल देते हैं होमोलोगस का कि आर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड आर्म्स ऑफ केट, केट और ह्यूमन की जो आर्म्स है हमारे पास वो होमोलोगस का एग्जाम्पल है। क्यों? अच्छा क्यों है? क्योंकि ह्यूमन की आर्म्स और केट की आर्म की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन काम जो है डिफरेंट है। हम जो है अपनी आर्म्स जो है मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन केट जो है वो अपनी आर्म्स को चलने के लिए इस्तेमाल करती है, बाय वॉक और बाय रन। ठीक है, तो होमोलोगस का मकसद यह हो कि स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन डिफरेंट हो। जैसे आर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड आर्म्स ऑफ केट, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। केट चलने के लिए इस्तेमाल करती है, हम दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अगर एनालॉगस की बात करें तो एनालॉगस में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन, फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल मैं कहूं कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और हमारे पास विंग्स ऑफ बेट, तो विंग्स ऑफ बेट और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हमारे पास एग्जाम्पल है एनालॉगस का, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बेट इज डिफरेंट बट फंक्शन ऑफ देयर विंग इज सेम। क्योंकि फंक्शन क्या है विंग्स का, भाई उड़ना, तो बटरफ्लाई भी विंग्स को इस्तेमाल करके उड़ता है और बेट भी जो है अपने विंग्स को इस्तेमाल करके फ्लाई करता है लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड अंडर एनालॉगस। तो जिसकी स्ट्रक्चर सेम हो फंक्शन डिफरेंट हो तो उसको होमोलोगस में पुट किया गया, और जिसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सिमिलर फंक्शन हो तो उसको हमने एनालॉगस में पुट किया। तो ये हमारे पास पहला बुनियादी जो है वो रूल था जिसके तहत उन्होंने सब ग्रुप्स में जो उन्होंने स्पेशीज को डिवाइड कर दिया। क्या था पहला? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फॉर्म्स, उसमें होमोलोगस आ गया और एनालॉगस आ गया। ठीक है, अच्छा जब जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट आने लगी या जब जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के तहत उनको डिफिकल्टी होने लगी, मुश्किलात पेश आने लगी इस तरीके से डिवाइड करने में, तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू तरीके इस्तेमाल किए जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। उन्होंने न्यू तरीके इस्तेमाल किए जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी का मकसद है सेल बायोलॉजी। उसका मकसद यह है कि सेल के कॉन्स्टिट्यूंट को देखकर डिवाइड करना, सेल के कॉन्स्टिट्यूंट को देखकर। उसका मकसद यह हुआ कि उन्होंने सेल को देखा, सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं उसको देखकर उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। और जेनेटिक मकसद जीन को देखकर, जीन के कॉन्स्टिट्यूंट को देखकर। ठीक है, तो साइटोलॉजी में जब वो आए तो साइटोलॉजी में उनको दो चीजें मिली, एक हमारे पास यूकैरियोटिक और दूसरा हमारे पास प्रोकैरियोटिक। एक हमारे पास यूकैरियोटिक, दूसरा हमारे पास प्रोकैरियोटिक।
तो यूकैरियोटिक जो था उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद था, और हमारे पास प्रोकैरियोटिक में क्या था कि लैक ऑफ न्यूक्लियस, ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियस। और इसको किस जो है वो बायोलॉजिस्ट ने पहले पहले प्रपोज किया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एडवर्ड किटन ने हमारे पास इसको फर्स्ट जो है प्रपोज किया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी के बाद साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के बुनियाद पर उन्होंने क्या किया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो आफ्टर दैट साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को भी उन्होंने देखकर डिवाइड किया। लेकिन हमारे पास तीसरा एक रूल आता है जिसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आज तो ब्रांच है बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच है। तो उन्होंने इसके तहत जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना स्पेशीज को ग्रुप्स में शुरू कर दिया, बायो और केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं ना लिविंग बॉडी में, तो उसको देखकर उन्होंने क्या कर दिया, क्या बायोकेमिस्ट्री के तहत उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो आई होप बायोकेमिस्ट्री भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हमारे पास आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो एक्चुअली जो हम स्पीशीज को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो जिस ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं तो उन ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जिस ग्रुप्स में हम जो है स्पीशीज को डिवाइड करते हैं उस ग्रुप्स को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, या टैक्सोन कहते हैं, या टैक्सा कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्पीशीज को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, तो उन ग्रुप को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उन ग्रुप्स को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है जिसमें हम क्या करते हैं स्पीशीज को डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमारे पास एक असेंडिंग लेडर आता है या अरेंजमेंट, उनके जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें जो टैक्सोन मौजूद है उनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब टैक्सोनॉमिक यूनिट को, टैक्सोनॉमिक यूनिट्स को या टैक्सोन्स को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा, वो टैक्सोन जो है वो कौन कौन से हमारे पास, क्योंकि किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोन, तो पहले हमारे पास आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद स्पेशी। ये हमारे पास क्या है, एक लेडर है, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जेनस, स्पेशी। अच्छा, हमारे पास जो किंगडम है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का हाईएस्ट यूनिट है। टैक्सोनॉमिक इज द हाईएस्ट यूनिट, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्पेशीज हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, किंगडम हमारे पास हाईएस्ट है। तो क्या होता है कि स्पेशीज मिलकर हमारे पास जीनस बनाते हैं, जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, और फाइलम मिलकर हमारे पास किंगडम बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जब स्पेशी है तो स्पेशी का मतलब क्या है, स्पेशी कहते हैं स्पेशी कहते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उस लिविंग बॉडी को जो जो है एबिलिटी, जिसमें एबिलिटी हो इंटरब्रीड या फर्टाइल जर ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने जो है वो अपने जो है वो एक्चुअली जो है वो अपने नस्ल को जो है वो आगे जो इंक्रीज कर सके। तो एबिलिटी टू फर्टाइल देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्पेशी। स्पेशी उसे कहते हैं इंटरब्रीड एंड एबिलिटी टू फर्टाइल देयर ऑफ स्प्रिंग, तो उसे हम स्पेशी कहते हैं। स्पेशी हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, किंगडम हमारे पास हाईएस्ट यूनिट है। अच्छा, अगर हम जो है वो दो चीजों के, किंगडम और हम जो है स्पेशीज और जेनस की बात करें, एक हम लेते हैं ह्यूमन। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमारे पास होता है होमो सेपियंस। ह्यूमन का जो साइंटिफिक हमारे पास नेम होता है वो है होमो सेपियंस। अच्छा, वेट अ मिनट, होमो सेपियंस, लेकिन जब भी साइंटिफिक नेम को लिखा जाएगा तो इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, होमो सेपियंस, ठीक है। तो हमारे पास जो होमो होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारे पास जीनस को जाहिर करता है साइंटिफिक नेम में, और जो दूसरा वर्ड होता है वो हमारे पास स्पेशी को जाहिर करता है। तो ह्यूमन का जो जीनस है वो होमो है और स्पेशी है वो सेपियंस है। अच्छा, और ह्यूमन का जो किंगडम है वो हमारे पास है किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया। अच्छा, अगर जो है और दूसरा एग्जांपल लें तो हमारे पास है पी, पी हमारे पास,
तो उसका जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है पिज्म सेटिवम, पिज्म सेटिवम। पिज्म हमारे पास जेनस है और सेटिवम हमारे पास स्पेशी है, और इसका जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांट है। अच्छा, और भी मिसाल है, एग्जांपल हम कहें केट का फेलिस्केटस और फ्रॉग का रोनाटाइग्रिना, लाइन का पेंथेरा लियो, मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कंपेस्ट्रस, और उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा जेनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड हमारे हमेशा जो है वो स्पेशीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो साइंटिफिक नेम जो है वो फर्स्ट किसने दिया था, अरिस्टोटल ने, और उसके बाद हमारे पास कैरोलस लिनियस ने भी दिया था। साइंटिफिक नेम जो है वो अरिस्टोटल ने दिए थे, साइंटिफिक नेम हमारे पास जो है वो अरिस्टोटल के जरिए दिए गए थे, और उसके बाद हमारे पास अरिस्टोटल के जरिए दिए गए थे, उसके बाद हमारे पास कैरोलस लिनियस के जरिए दिए गए थे, स्वेडस जो है बायोलॉजिस्ट था। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, अरिस्टोटल ने भी साइंटिफिक नेम दिए थे, कैरोलस लिनियस ने भी दिए थे, उसके बाद हम अरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, फादर ऑफ साइंस भी हम कहते हैं अरिस्टोटल को, और कैरोलस लिनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, टैक्सोनॉमी क्या है, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रुपिंग एंड नेमिंग देते हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइंस। तो अरिस्टोटल ने क्या किया कि टू की कॉन्सेप्ट दिया, एक बाइनोमियल डेफिनेशन के जरिए उन्होंने डिवाइड किया और दूसरा क्लासिफिकेशन के जरिए उन्होंने डिवाइड किया। अच्छा, अरिस्टोटल ने एक बुक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया लैटिन में लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें उन्होंने जो है वो एनिमल्स विथ वार्म ब्लड, एनिमल विथ कोल्ड ब्लड उन्होंने जो डिफाइन किए थे, या जो है उन्होंने जो है वो सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन एनिमल्स जो है वो उन्होंने जो है डिफाइन किए थे बुक में, या उन्होंने ये भी डिफाइन किया था कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो कौन से हैं, जो एनिमल जो है लैंड में रहते हैं वो कुछ। उनके बाद उसके बाद अगर कहें हमारे पास तो एक साइंटिस्ट आता है जिसे हम कहते हैं अबू उस्मान उमर अल जहीज। ये एक हमारे पास जूलॉजिस्ट था, मुस्लिम जूलॉजिस्ट था। अच्छा, मुस्लिम जूलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया कि एक स्लॉटर एनिमल को लिया, स्लॉटर एनिमल को लेकर जो मरा हुआ एनिमल था उसे लेकर उसके इंटरनल पार्ट्स पे स्टडी की, और उसका और एक प्रेग्नेंट एनिमल को भी लिया जिसके उन्होंने एम्ब्रियो पे स्टडी की, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज पे स्टडी की, लोकेशन ऑफ एम्ब्रियोज पे स्टडी की। किसने, अबू उस्मान उमर अल जहीज ने, और इसने अपने बुक में किताबल हैवान बुक लिखा है, जिन्होंने सारी चीजें डिफाइन की है इन्होंने एम्ब्रियो के बारे में और हमारे पास इंटरनल ऑर्गन के बारे में, और उसके बाद इन्होंने ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट 7 बिग वॉल्यूम पर मुश्तमिल है किताबल हैवान, जो कि अबू उस्मान उमर अल जहीज ने लिखा था, एक स्लॉटर एनिमल को लेके और उसके एम्ब्रियो पे स्टडी की थी और उस पर इंटरनल ऑर्गन्स पे स्टडी की थी। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा, अरिस्टोटल जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमलिया लिखा, कैरोलस लिनियस जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, और अबू उस्मान उमर अल जहीज जिसने किताबल हैवान लिखा, इसमें जो बुक 7 बिग वॉल्यूम पर मुश्तमिल है, हिस्टोरिया एनिमलिया में अरिस्टोटल ने एनिमल्स विथ वार्म ब्लडेड, एनिमल विथ कोल्ड ब्लडेड ये भी दिए। अच्छा, अगर हम देखें आखिर में एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, क्लासिफिकेशन का एम क्या था, तो दो एम थे, तो देयर आर टोटल 2 एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के 2 एम्स थे। एक एम था कि टू डिफाइन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन, हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो हमारे पास था कि टू डिफाइन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, टू डिफाइन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज
डिफाइन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, के सिमिलरिटीज कौन सी हैं ऑर्गेनिज्म में और डिसिमिलरिटीज कौन सी हैं वो डिफाइन करने के लिए एक ये अंग था, और दूसरा टू फाइंड द evolutionary relationship between organism. To find the evolutionary relationship मतलब उनका जो है वो पहले ताल्लुक क्या था organism का आपस में, वो define करने के लिए. अच्छा, ये जो evolutionary relationship है ये हमारे पास theory of evolution पे direct जाता है, theory of evolution पे direct जाता है जिसे चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को चार्ल्स डार्विन ने लिखा था आई थिंक 1958 में. सो दैट तो उसमें जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूरी बयान की थी. और ये दूसरा एम भी हमारे पास वही है कि टू फाइंड द एवोल्यूशन रिलेशनशिप. उसका मकसद ये है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन थे पहले हमारे पास एंशंट टाइम में, वो जो है बयान करने के लिए. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बायोडायवर्सिटी, एवोल्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर. खुदा हाफिज़.